अंकीरा, पानी टंकी तो बन गया लेकिन ग्रामीणों को आज तक पानी की बूंद भी नसीब नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच सचिव की लापरवाही का नतीजा। गांव में जब सरकार चुनने के लिए प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांगते हैं और वादा करते हैं कि गांव की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि द्वारा सहयोग नहीं करने पर ग्रामीण सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। पीने के पानी को लेकर मंगलवार को ग्राम पंचायत अंकीरा की महिलाओं एवं युवाओं के द्वारा ग्राम पंचायत भवन अंकीरा में पहुंचकर सरपंच पानी दो के नारेबाजी की। 21 जुलाई को ग्राम पंचायत अंकीरा कार्यालय पहुंचकर भाजयुमो मंडल तपकरा के उपाध्यक्ष सागर सिंह, महामंत्री कमलेश सिंह के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं के साथ ग्राम पंचायत अंकीरा के सरपंच को सैकड़ों गांव के महिलाओं एवं ग्रामीणों का हस्ताक्षर युक्त लिखित में ज्ञापन सौंपा था। आवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत अंकीरा में बने पानी की टंकी विगत कई साल बीत गए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा पानी टंकी में पानी अब तक नहीं चढ़ा है। साथ ही ग्रामीण हजारों रुपए खर्च कर अपने घरों में पाइप नल कनेक्शन लगाए हैं, लेकिन आज तक लोगों के घरों में पानी सप्लाई नहीं पहुंच पाई है, जिसको लेकर युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं 2 अगस्त तक घरों तक पानी नहीं पहुंचा, तो 3 अगस्त को पंचायत के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, जहां सरपंच के द्वारा कोई पहल नहीं करने पर आज महिलाओं एवं भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के द्वारा पंचायत भवन पहुंचे, जहां पंचायत भवन में ताला लगा हुआ था। सचिव सरपंच दोनों नदारद थे, जिससे महिलाओं में गुस्सा फूट पड़ा है। शासन से प्रतिमाह वेतन लेने वाला सचिव ही जब पंचायत भवन में ताला लगाकर गायब हो जाए, तो उस पंचायत के बारे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन की योजनाओं से यहां के ग्रामीणों को कितना लाभ मिल पाता होगा। बहरहाल पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने आरोप लगाया कि जहां शासन करोड़ों रुपए पानी में खर्च कर रही है, लेकिन आज कई साल बीत गए ग्राम पंचायत अंकीरा में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर पानी टंकी बनाई गई, लेकिन सरपंच सचिव के द्वारा आज तक टंकी में पानी नहीं चढ़ाया गया, जिससे लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। वार्ड क्रमांक 3 का मैं बताता हूँ, और ये 10-12 साल हो गया अंकीरा में धोखाधड़ी हो रहा है। बस इतना साल से बस सरपंच बदल रहे हैं, वर्षों बीत गए, नहीं यहाँ आज भी देखिए ताला लगा हुआ है, पानी चढ़ नहीं रहा है। स्ट्रीट लाइट पता नहीं कौन चढ़ा माल है, जो 3 दिन नहीं चला और बिगड़ गया है हमारा। इसका एडोप्सी किया जाए, और मेरा जिलाधीश महोदय से विनम्र निवेदन है कि हमारे अंकीरा पंचायत को स्पेशल टारगेट मिले, कि यहाँ स्टेट फॉरवर्ड एक्शन लिया जाए। ये मेरा निवेदन है स्पेशल, और मेरा मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि यहाँ अंकीरा पंचायत को स्पेशल टारगेट में लिया जाए, और पर्सनली टीम इकट्ठा करके यहाँ स्टेट फॉरवर्ड एक्शन लिया जाए और यहाँ कार्रवाई किया जाए। मेरा जिलाधीश महोदय से विनम्र निवेदन है, SDM साहब को भी बोला जाए। पानी के चलते महिलाएं बहुत दिक्कत में आ रही है, 12 महीना बिजली चमक रहा है, कपका हो रहा है, कई केसेस ऐसे बने हैं, कई केस यहाँ पेंडिंग है, इनका कोई इंक्वायरी नहीं हो रहा है। तो स्पेशल टास्क फोर्स तैयार किया जाए और अंकीरा पंचायत को स्पेशल इंक्वायरी किया जाए, मेरा निवेदन है। लाखों रुपया गबन कर दिए हैं, कोई इनका इंक्वायरी नहीं हो रहा है। तकलीफ हो रहा है, पानी अब 10 साल हो गया टंकी में चढ़ाएंगे तो जितना भी सरपंच हो रहे हैं सब कोई नहीं चढ़ा रहे हैं पानी। पानी का बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोगों का, और हम लोगों का यहाँ नहाने के लिए जाते हैं लेडीज लोग, जो तालाब और रास्ता भी नहीं है तालाब में। सरपंच को तो बोल के बहुत दिन हो गया बोलते हुए, अभी तक पता नहीं है, ध्यान नहीं दे रहा है। आज मिले सरपंच से आप लोग? सरपंच से मिले आज? नहीं मिले हैं सरपंच। यहाँ मीटिंग मतलब रखेंगे, धरना करके बोले थे 3 तारीख को, तो यहाँ ताला लगा हुआ है मीटिंग भवन में। सरपंच सचिव किसी का संवाददाता लोही सिंह की रिपोर्ट।